लेट द कॉल रिकॉर्डेड यस नाउ मार्क योर प्रेजेंटी ओके डन। यस अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज अवर हिंदी ग्रामर क्लास। आज हमारा हिंदी ग्रामर का क्लास है और इसमें हम कारक पढ़ने वाले हैं। कारक, कारक के भेद और उदाहरण। ओके सो सबसे पहले मुझे बताइए आप कौन कौन कारक के बारे में जानता है, किन किन को कारक सिलेबस में है। एट स्टैंडर्ड इज हैविंग, सेवेंथ स्टैंडर्ड डोंट हैव। ओके सो आई थिंक फिफ्थ टू सेवेंथ साठी पूर्णपणे नवीन असेल। ओके सी तुम्हाला प्रिपोजिशन्स माहिती आहेत ना। इंग्लिशमध्ये आपण प्रिपोजिशन्स वापरतो। द कॅट इज सिटिंग ऑन अ टेबल, त्यामध्ये प्रिपोजिशन काय झालं, सिटिंग ऑन च्या वर। ओके दॅट इज अ प्रिपोजिशन। डॉग इज अंडर द कार, सो वॉट विल बी द प्रिपोजिशन ओवर हियर। द डॉग इज अंडर द कार, अंडर। येस येस, मग हे जे प्रिपोजिशन्स असतात ना त्यालाच हिंदीमध्ये आपण कारक असं म्हणतो। ओके इन प्रिपोजिशन्स को ही हिंदी में कारक कहा जाता है। सो आज के लेक्चर्स में हम कारक क्या होता है, कारक के भेद कौन कौन से हैं और उसके कुछ उदाहरण पढ़ने वाले हैं। ओके लेट्स सी सी देखिए यहाँ पे तुमने ये कैसे किया। राम ने रावण को मारा, तुमने राम ने रावण को। राधा कलम से लिखती है, किससे लिखती है, कलम से। माता पिता को प्रणाम करो, किसको प्रणाम करो, माता पिता को। इन सारी जगहों पे ने को से ये जो वर्ड्स आए हैं, ये जो शब्द आए हैं, ये जो चिन्ह आए हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। देखिए ये जो चिन्ह अभी हमने पढ़े, जो चिन्ह जो शब्द थे, ये ही संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों से संबंध बताकर वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। ओके ये कारक चिन्ह है। ये जो है जैसे कि हमने ऐसे पढ़ा कि राधा कलम लिखती है, अगर हमने से नहीं पढ़ा तो ये वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य बनता है या नहीं। नो माता पिता प्रणाम करो, अगर मैंने यहाँ से को ये कारक निकाल दिया तो ये वाक्य अर्थपूर्ण बनता है, नहीं। सो ये जो शब्द है, ये जो चिन्ह है, वो क्या करते हैं, हमारे वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। ओके ये कारक चिन्ह, इन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। इन्हें परसर्ग, संस्कृत मध्ये याला परसर्ग सुद्धा म्हणतात किंवा विभक्ति चिन्ह सुद्धा म्हणतात। ओके इसे परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। अंतः हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाता है, उसे कारक कहते हैं। बघा संज्ञा किंवा सर्वनाम शब्द यांच्या अशा रूपातून ज्यांचा संबंध वाक्यामध्ये असणारे दुसरे शब्द आणि ते दुसरे शब्द म्हणजे विशेषता क्रिया, यांच्या क्रियेसोबत संज्ञाचा किंवा सर्वनामाचा जेव्हा संबंध दाखवला जातो तेव्हा त्या शब्दाला कारक असं म्हणायचं आहे। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ओके कारक क्या है समझ में आया है। सिंपली जर लक्षात ठेवायचं असेल तर प्रिपोजिशन्स, प्रिपोजिशन्स तो तुम्ही खूप लहानपणापासून शिकताय, तेच असतात तुमचे कारक। ओके चला पहा, कारक और विभक्ती चिन्ह तालिका।
तुम्ही विभक्ती, प्रथमा, द्वितीया आणि त्यामध्ये कोणता प्रत्यय येतो हे सगळं शिकलेलं आहात ऑलरेडी मराठी ग्रामर मध्ये. ओके येस. मग आता इथे ये जो टेबल है वो दर्शा रहा है कारक, उनमें कौन सी विभक्ति चिन्ह यूज किया जाएगा और पहचान हमें किस तरह करनी है. या टेबल मध्ये फक्त हे एक थरली पहा, डिटेल मध्ये आपल्याला प्रत्येक कारक बद्दल इन्फॉर्मेशन दिली गेलेली आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही कारक कसा ओळखायचा, कोणता कारक आहे वाक्यामध्ये, वाक्य में कौन सा कारक आया है वो कैसे पहचानेंगे, किस तरह कारक का उपयोग करके वाक्य बनाएंगे, ये मैं सब सिखाने वाली हूँ. ओके उससे पहले ये टेबल, कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह है ने, पहचान कैसे करेंगे, किसने, कौन. ओके कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह है को, पहचान किससे करेंगे, किसे, क्या. करण कारक से के द्वारा, मतलब आप अगर वाक्य को किसे, उसने किसे मारा, उसने क्या खाया, अगर आप ऐसे प्रश्न आपकी क्रिया को पूछ, आपके कर्म को पूछो, आपके वाक्य को पूछोगे, तब आपको जो उत्तर मिलेगा वो कर्म कारक होगा. अगर आपने किसने, कौन ये प्रश्न पूछे तो आपको कर्ता कारक का उत्तर मिलेगा. करण कारक से के द्वारा, इसकी पहचान किससे होती है, किससे, किसके द्वारा. यस ना, अगर आप पूछ रहे हो वाक्य को कि ये पानी किसके द्वारा गिराया गया, तो आपको क्या उत्तर मिलेगा कि ये पानी लोगों के द्वारा गिराया गया. अगर ऐसे, अगर आपका वाक्य है कि लोगों के द्वारा ये पानी गिराया गया, ओके और आप उस वाक्य को प्रश्न पूछ रहे हो कि ये पानी किसके द्वारा गिराया गया, तो आपका उत्तर क्या आएगा, लोगों के द्वारा. तो करण कारक क्या होगा आपका, लोगों के. ओके उसी तरह संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह है के लिए, को, पहचान कैसे होगी, किसके लिए, किसको. अब किसके लिए, किसको, ये प्रश्न जब आप पूछोगे तब आपको संप्रदान कारक का उत्तर मिलेगा. अपादान कारक से अलग होना, पहचान होगी कहाँ से. संबंध कारक का, की, के, रारी, रे, ये विभक्ति चिन्ह संबंध कारक दर्शाते हैं. इसकी पहचान की जा सकती है जब आप वाक्य को किसका, किसके और किसकी ये प्रश्न पूछोगे तब. अधिकरण कारक में पर ये विभक्ति चिन्ह होते हैं. इसकी पहचान की जा सकती है जब आप वाक्य को पूछोगे किस में, कहाँ पर, किस पर. ओके देन कम संबोधन कारक. संबोधन कारक है हे, अरे, जैसे कि विस्मयादिबोधक चिन्ह हमने सीखे हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हम अपन शिकलो है ना, मग ते येतात तेव्हा ते वाक्य संबो तेव्हा ते कारक संबोधन कारक असतं. ओके आता हा जो तुमचा टेबल आहे याला डिटेलिंग मध्ये आपण शिकणार आहोत बाय टेकिंग द एक्झाम्पल. ओके सी, पहिला आहे कर्ता कारक. संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं. मतलब आपके संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप से क्रिया किसने की है ये आपको पता चल रहा है, तब उस शब्द को हम कर्ता कारक कहते हैं. जैसे भास्कर पौधा लगाता है, काव्या ने खेल में गोल्ड मेडल जीता है. ओके यहाँ पे ऊपर के वाक्यों में पौधा लगाना और गोल्ड मेडल जीतना ये कार्य है, क्रिया है, और उनको कौन कर रहा है, पौधा कौन लगा रहा है, भास्कर. काव्या, गोल्ड मेडल किसने जीता है, काव्या ने, इसलिए भास्कर और काव्या ये दो शब्द कर्ता कारक शब्द कहलाएंगे. उसकी पहचान किस तरह होगी, क्रिया के साथ कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर उसके उत्तर में जो आता है वह कर्ता होता है. कर्ता कसा ओळखायचा, जर तुम्ही क्रियेला, क्रियेसोबत कोण, किसने हे प्रश्न विचारले तर जे उत्तर येईल तो तुमचा कर्ता असेल आणि तोच तुमचा कर्ता कारक असेल. जैसे भास्कर पौधा लगाता है, कोण पौधा लगाता है, भास्कर. किसने गोल्ड मेडल जीता, काव्या ने. अंतः भारत और भास्कर और काव्या ये कर्ता कारक है. ओके वर्तमान काल में, वर्तमान काल और भविष्यत काल में कर्ता ने, कर्ता के साथ ने नहीं लगता,
जैसे भूतकाल में लगता है, जैसे कि देखिए नंदिनी खाना बनाती है वर्तमान का, ने लागलाय का नाही, नंदिनी खाना बनाएगी भविष्य काल, ने लागलाय का नाही, नंदिनी ने खाना बनाया भूतकाल से फक्त ने लावला जातो। ओके अंडरस्टूड। कर्ता कारक कैसे पहचानोगे? अगर आपके प्रश्न को, आपके जो वाक्य दिया गया है उसकी क्रिया को आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, कौन या फिर किसने, तब आपको कर्ता कारक पहचानना आ जाएगा। ओके सो कैन यू राइट वन सेंटेंस फॉर दिस? कर्ता कारक के लिए क्या यूज करना है आपको? ने, ने यस लिखिए। कर्ता कारक मध्ये कोणते चिन्ह आहे विभक्तीचा? ने। हर्षदा ने खाना खा लिया। यस लिखिए जल्दी से। तनिषा ने फोन किया। यस उसने मुझे मुझसे माफी मांगी। ओके राज ने मेरे को मारा। मुझे अस्त मेरे को नहीं। वहा कौन है? नो नो कर्णिका, दैट विल नॉट बी बापूजी ने। ओके लेट मी चेक बाय माय सेल्फ। बापूजी ने मोबाइल पे बताया था। सोहम ने मुझे अपना पुस्तक दिया। मैंने होमवर्क कर लिया। मनीष ने आज बहुत काम किया। ओके मैंने खाना भी बनाया। यस ओके नाउ कर्ता कारक समझ लाए? कर्ता कारक पहचानना आएगा अभी आपको। यस एवरीवन मेक इट क्लियर। फिफ्थ सिक्स सेवेन तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही आहे, बट आफ्टर यू आर मूविंग अप फॉरवर्ड ना, कि ये सिलेबस मध्ये येणार आहे हे सगळं, द कमिंग सिलेबस। ओके आय थिंक एट्थ इज हॅविंग, एट नाईन टेंथला असणार आहे। नेक्स्ट बघा, आता नेक्स्ट आहे कर्मकारक। कर्मकारक जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं। जैसे सुधा चित्र बनाती है, राम ने रावण को मारा। ओके इथे लक्ष द्या तुम्ही, पहिले आपण टेबल बघितला। कर्म कारक को काय विचारायचं, किसे, क्या, पहा। ऊपर के वाक्यों में क्रिया का फल क्रमशः चित्र और रावण पर पड़ रहा है। यस क्रिया कुठे काय करते हैं? चित्र बनाती है। क्या बनाती है? चित्र। किसको मारा? मारणे ही क्रिया आहे, पण कोणाला मारलंय? रावणाला। बनवणे ही क्रिया आहे, पण काय बनवत आहे? चित्र। बरोबर। सो जिस वाक्य में क्रिया का फल डायरेक्टली जिस शब्द पर पड़ता है उसको कर्मकारक कहते हैं। जैसे सुधा चित्र बनाती है, और क्रिया के साथ क्या, किसे, किसका, ये प्रश्न अगर हम लगाते हैं तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो कर्मकारक होता है। जैसे कि सुधा क्या बनाती है? चित्र। राम ने किसे मारा? रावण को। तो चित्र और रावण को, ये शब्द कर्मकारक हुए। ओके देखिए कभी कभी वाक्य में दो कर्म एक साथ भी आते हैं। जैसे अध्यापिका ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया। यहाँ पे छात्रों को और व्याकरण, ये दो कर्म है, तो ये दो कर्मकारक शब्द होंगे। ओके अगर आप वाक्य को पूछ रहे हैं क्या, सुधा क्या बनाती है, किसको, अगर हम वाक्य को क्या, किसे, किसका, किसको, ये प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको जो उत्तर मिल रहा है वो हमारा कर्मकारक शब्द है। ओके अंडरस्टूड? कर्मकारक समझ में आया है?
यस, सुधा क्या बनाती है? रमा ने क्या खाया? राम ने किसको मारा? के पण यावेळी फक्त प्रश्नच नाही वापरू शकत आपण. ओके, म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्ही तसंच सेंटेन्स लिहायला पाहिजे असं नाही. मग आता सुधा चित्र बनाती है. चित्र बनाती है, यामध्ये चित्र हे काय झालं? कर्मकारक. चित्र कर्मकारक आहे, त्यामुळे तुम्हाला आता काय वापरायचं आहे? एक साधं वाक्य लिहायचं आहे ज्यामध्ये तुमचा कर्म आलेला असेल आणि क्रियाचा डायरेक्ट प्रभाव कर्मावर पडत असेल. ओके, लिहा. क्या, किसे, किसका हे नाही वापरायचं आता तुम्हाला. तसं आपण ह्याच्यात काय केलेलं? ने वापरत होतो आणि वाक्य बनवत होतो, पण हे कर्मकारक आहे. कर्मकारक मध्ये क्रिया ही कर्मावर इफेक्ट करत आहे असं दाखवायचं आहे. लिहा. सुधा चित्र बनाती है, रामने रावण को मारा, रमाने फल खाया, रमाने खाना बनाया. माइका पढ़ाई कर रही है. यस, सूरज ने खाना बनाया. यस, मानस डांस कर रहा है. डांस नहीं ली थी हिंदी में, नाच रहा है. आणि त्यामध्ये कर्म येत नाहीये. ओके, राधा कविता बना रही है. ओके, पनीर बनाया, जीवन ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया. यस, तमेश खेल रहा था. ओके, जोया माला बना रही है, वहां लैंप के नीचे बैठ के पढ़ रहा है. मैंने चपाती शेकी नस्त, मैंने आज रोटी बनाई. नेक्स्ट, करण कारक. ओके, आता लक्ष द्या. कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं. म्हणजे क्रिया करता हा क्रिया करत आहे, पण ती क्रिया करण्यासाठी तो कोणत्या तरी साधनाचा उपयोग करत आहे, तेव्हा त्याला करण कारक म्हणायचं आहे. जसं डॉक्टरने डिटॉल से घाव धोया, डॉक्टर ने घाव धोने की क्रिया की, लेकिन उस घाव धोते वक्त उसने जिस चीज का उपयोग किया वो एक साधन था, जैसे डिटॉल. डिटॉल से आर्यन कार से शहर आया. आर्यन ने शहर आने की क्रिया की, लेकिन उसने एक साधन का उपयोग किया है, कार. ऊपर के वाक्यों में घाव धोने और शहर जाने के साधन क्रमशः डिटॉल और कार है, अंत ये कारण कारक है. कारण कारक में से परसर्ग के अतिरिक्त के द्वारा के साथ परसर्गों का भी प्रयोग होता है. मग अपन से हा शब्द वापरतोच कारण कारक मध्ये. जसं डिटॉल से, कार से. ओके, मैं पेन से लिख रही हूँ, वह पेंसिल से लिख रही थी. से हा शब्द आपण वापरतोच, पण त्यासोबतच के साथ आणि के द्वारा हे सुद्धा विभक्ती चिन्ह किंवा परसर्ग यूज केले जातात. जसं मैंने चटणी के साथ पकोड़े खाए, गिरीश कार द्वारा जयपुर आया. ओके, करण कारक की पहचान कैसे करेंगे आप? क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होगा वही करण कारक होगा. जैसे डॉक्टर ने किससे घाव धोया? डिटॉल से. आर्यन किससे शहर आया? कार से. ओके, यस. म्हणजे ज्यामध्ये तुम्हाला साधन दाखवलं असेल, साधन द्वारा क्रिया होत आहे असं दाखवलं गेलं असेल, तिथे तो शब्द करण कारक ठरतो. डॉक्टर ने डेटॉल से घाव धोया, आर्यन कार से शहर आया,
मैं पेन से लिखती हूँ, मैं चम्मच से खाना खाती हूँ, मैंने चटनी के साथ पकोड़े खाए, ये काम मेरी माँ द्वारा किया गया। ओके अंडरस्टूड। जेव्हा साधन इंक्लूडेड असतं तेव्हा त्याला म्हणायचं आहे करणकारक। ओके राईट सेंटेन्स फॉर दिस। मैंने चम्मच से खाना खाया, मैंने रोटी मेकर से रोटी बनाई। करण के कार, नो आई डिडंट गेट इट। माहिका प्लीज राइट इट अगेन। रमा ट्रेन से घर आई, शाम ने खाना खाया, मैंने पेपर पेन से लिखा, मैं कार से मुंबई गया। ओके डीजल से गाड़ी चलती है, मैं नहीं येणार, यू कांट राइट मे। के द्वारा, के साथ आणि से हे तीनच शब्द यायला पाहिजेत। येस नो अनुज, यू कांट राईट दिस। येस ओके नाव संप्रदान कारक। सी द नेक्स्ट पार्ट इज संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। ओके कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है म्हणजे दुसऱ्या कोणासाठी काही कार्य केलं असेल किंवा दुसऱ्या कोणाला काही देत असेल तर ते व्यक्त करण्यासाठी जो शब्द वापरला जातो ज्याला संप्रदान कारक म्हणतात। माँ सबके लिए खिलौने खरीद कर लाई है। सबके लिए, किसके लिए? सबके लिए। पिताजी ने गरीबों के लिए भंडारा किया। किसके लिए भंडारा किया? गरीबों के लिए। ऊपर के वाक्यों में खरीदने और भंडारा करने के कार्य, खरीदने का कार्य किसके लिए हुआ है? खिलौने खरीदने का कार्य सबके लिए हुआ है। देन भंडारा करने का कार्य किसके लिए हुआ है? गरीबों के लिए हुआ है। इसमें सबके लिए और गरीबों के लिए ये जो शब्द है वो संप्रदान कारक कहलाते हैं। गॉट अंडरस्टूड? संप्रदान कारक के लिए को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे मैंने विवेक को मिठाई दी है। ओके इथे पण आपण कोणासाठी तरी क्रिया करतोय ना, मैंने किसको मिठाई दी है? विवेक को, म्हणून को सुद्धा वापरला जातो संप्रदान कारक साठी। यह प्रसाद सब किसको बांट? सबको। यहाँ विवेक को तथा सबको संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की पहचान किस तरह होगी? देखिए क्रिया के साथ किसके लिए या किसको लगाकर अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर में जो आता है वो आपका संप्रदान कारक होता है। जैसे कि माने किसके लिए खिलौने खरीदे? सबके लिए। मैंने किसको मिठाई दी? विवेक को। तो सबके लिए, विवेक को, गरीबों के लिए, ये सारे शब्द संप्रदान कारक शब्द कहलाएंगे। सी लेकिन यहाँ पे को भी आ रहा है जो को कर्म कारक में आता है। संप्रदान कारक और कर्म कारक में क्या अंतर है? देखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की विभक्ति को है। कर्म कारक मध्ये पण को येतं आणि संप्रदान कारक मध्ये पण। मग तुम्ही कसं ओळखणार की कोणता कारक आहे इथे? जर को दिला असेल तर तुम्ही कसं ओळखणार? तर पहा संप्रदान कारक में को में कुछ देने या उपकार करने का भाव मुख्य होता है। जेव्हा आपण संप्रदान कार जेव्हा तुम्हाला वाक्यात काहीतरी उपकार केलेला दिसत आहे किंवा काहीतरी गोष्ट दिली गेलेली दिसत आहे त्यावेळेला तुम्हाला संप्रदान कारक लिहायचं आहे। पण
कर्मकारक में यह भाव नहीं होता, कर्मकारक मध्ये भाव नसतो. जसं पुलिस ने चोर को पीटा, कर्मकारक यावे मार देणे हे उपकार आहे का? सांगा. यस, पुलिस चोर को पीट रही है. सो चोर को जो मार मार मिल रहा है वो उपकार है क्या उस पे? नो. सो दैट विल कम अंडर कर्मकारक. पुलिस ने चोर को खाना दिया, ये कुछ भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए संप्रदान कारक. ओके ओके. म्हणजे जेव्हा तुम्ही कोणती गोष्ट दाख संप्रदान कारकचं उदाहरण आता तुम्ही लिहिणार, त्यामध्ये तुम्हाला दाखवायचा आहे एखादा भाव, तो भाव म्हणजे उपकार असणार आहे. ओके चला लिहा. राइट वन सेंटेंस. सबके लिए, किसको, किसके लिए, किसको, म्हणजे के लिए. ओके यू हैव रिटन, जस्ट लेट मी चेक. माँ ने सबके लिए खाना बनाया, मैंने गरीबों को खाना दिया. माँ ने सबके लिए खाना बनाया, रमेश ने माँ के लिए साड़ी खरीदी, मैंने महेश को पेन दिया, मीरा ने हम सबको अपने जन्मदिन पर बुलाया, माँ ने मुझे लड्डू दिया. अनुज हे वाक्य आहे हे कर्मकारक होतं. मीरा ने सॉरी कर्ता कारक पण होऊ शकतं. ओके यामध्ये आपण को यूज करायचं आहे किंवा लाईक आता इथे असं आहे, माने सबके लिए खाना बनाया, हे पण राईट आन्सर आहे कारण त्यामध्ये एक भाव दिसतोय. ओके माने सबके लिए, मैंने मानस को नया मोबाईल दिया, मैंने सबको खाना दिया. ओके चला. नेक्स्ट नेक्स्ट इज अपादान कारक. अपादान कारक क्या है देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु दूसरे से अलग होने का पता चलता है. जेव्हा संज्ञा किंवा सर्वनाम, जेव्हा नाम किंवा सर्वनाम यांच्या रूपावरून एक वस्तु ही दुसरी दुसरीपेक्षा वेगळी होती आहे, दुसरी दुसरी जवळून वेगळी होते असं समजतं, तेव्हा त्याला अपादान कारक म्हणतात. जसं रवी सायकल से गिर पडा. ओके रवी सायकल से गिर पडा, किससे गिर पडा, सायकल से. नीरा के हाथ से गिलास छूट गया. ओके ऊपर के वाक्यों में रवि के साइकिल से और गिलास के हाथ से अलग होने का पता चल रहा है, अंत ये अपादान कारक है. ओके देखिए साइकिल से हाथ से, मतलब रवि साइकिल से अलग हो रहा है और ग्लास हाथ से अलग हो रहा है, इसलिए ये जो दो शब्द है वो अपादान कारक शब्द कहलाएंगे. देखिए सीखने, डरने, लज्जा या तुलना करने का भाव प्रकट करने में भी अपादान कारक होता है. जैसे कि रोहिणी गुरुजी से नृत्य सीखती है, यहाँ पे सीखने की क्रिया हो रही है. गरिमा सांप से डरती है, यहाँ पे डरने की क्रिया हो रही है. कृति रूपा से लंबी है, यहाँ पे तुलना की जा रही है. ओके देखिए अपादान कारक की पहचान कैसे करेंगे अब आप, क्रिया के साथ कहाँ से या फिर किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही शब्द अपादान कारक होगा. जैसे कि रवि कहाँ से गिर पड़ा, साइकिल से. सो साइकिल से ये शब्द अपादान कारक हुआ. मी लिहायला सांगितलं नाहीये अजून. हु एवर इज राइटिंग, हिमेश और तेजल, आय हॅव नॉट आस्क यू टू राईट. गिलास कहाँ से छूट गया, हाथ से. रोहिणी किससे नृत्य सीखती है, गुरुजी से. गरिमा किससे डरती है, सांप से. कृति किससे लंबी है, रूप से. सो यहाँ पे साइकिल से, हाथ से, गुरुजी से, सांप से, रूप से, ये सारे शब्द अपादान कारक शब्द है. ओके अपादान कारक समझ लें. देखिए करण कारक मध्ये पण से हा से येतं. यस करण कारक में भी से आता है ना, तो हम अपादान कारक और करण कारक
को कैसे डिफ्रेंशिएट करें? देखिए, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करण कारक और अपादान कारक दोनों में होता है, किंतु करण कारक में से का प्रयोग साधन के अर्थ में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में किया जाता है। ओके, जेव्हा आपण एखादं साधन वापरत आहोत आणि ते वाक्यात आलंय तेव्हा ते करण कारक आहे, आणि जेव्हा वेगळं होण्याची क्रिया आहे, अलग होणे की क्रिया जब आती है तो वो से अपादान कारक में आता है। जैसे कि वह फूलों से माला बना रही है, किससे माला बना रही है? फूलों से। सो ये साधन रूप है इसलिए ये आएगा करण कारक। पेड़ से फूल झड़ रहे हैं, मतलब पेड़ से फूल अलग हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? अपादान कारक। ओके, अंडरस्टूड? फरक समझला अपादान कारक आणि करण कारक मधला? अपादान कारक मध्ये वेगळी होता है गोष्ट, हे तुम्ही दाखवलं पाहिजे। ओके ओके, लिहा सेंटेन्स आता। मैं बेड से गिर गई, मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, रोहन के हाथ से पेपर फट गया, मेरे बहन मुझे साथ से, नो, पेड़ से फल गिरा। यस, अलग होने की क्रिया आनी चाहिए यहाँ पे, तभी वो अपादान कारक कहलाएगा। फक्त से वापरला तर ते अपादान कारक होणार असं नाही, वेगळं होण्याची क्रिया स्पष्ट व्हायला हवी त्यातून। रूपा के हाथ से मोबाइल गिरा, पापा सॉरी, पेड़ से आम गिरा। यस, मेरे हाथ से खाना गिर गया। नो, ओंकार यू कैन नॉट राइट दैट। माँ से चाय का कप गिर गया। यस ओके, डन। नेक्स्ट पढ़ा। नेक्स्ट है संबंध कारक। सी, संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले। जेव्हा असा नाम आला असेल वाक्यामध्ये ज्यामध्ये दोन नामांचा किंवा सर्वनामांचा परस्परांशी संबंध आहे असं कळतं, तेव्हा त्याला संबंध कारक म्हणतात। ओके, तब उस शब्द को संबंध कारक कहते हैं। जैसे, यह मेरी घड़ी है, तब्बू भैया का पेन उठाकर भाग गई। ऊपर के वाक्यों में मेरी का घड़ी से तथा भैया का पेन से संबंध है, बराबर? घड़ी किसकी है? मेरी। पेन किसका है? भैया का। सो, ये दो शब्द क्या दर्शा रहे हैं? उस चीज से संबंध दर्शा रहा है, अंतः ये संबंध कारक है, इसलिए इन शब्दों को संबंध कारक शब्द कहा जाता है। का, की, के, रा, री, रे, जैसे मेरा, मेरी, हमारे, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, भैया का, रमेश की घड़ी, सीमा के पापा, ये सारे शब्द क्या कह रहे हैं? ये सीमा के पापा है। इस वाक्य में क्या दिखाया जा रहा है? पापा किसके हैं? सीमा के। तो सीमा और पापा, इन शब्दों में के ये शब्द संबंध दर्शा रहा है। यस, इसलिए इन शब्दों को हमें संबंध कारक चिन्ह कहना है। ये वचन और लिंग के अनुसार होते हैं प्रयोग। जैसे कि मेरा, जैसे कि आप बोल सकते हैं मेरा पुस्तक, ओके, मेरी पुस्तक, ओके, एंड आपको अगर कहना है व्हाट यू कैन से, दफ्तर, दफ्तर, ऑफिस, ये मेरा दफ्तर है, ये मेरी पाठशाला है, ये हमारे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, ये उसका चित्र है, ये उसकी माँ है, ये उनके माता पिता है। ओके, इस तरह से संबंध कारक की पहचान आप किस कैसे करोगे? क्रियाओं के साथ किसका, किसकी, किसके, अगर ये लगाया गया तो
तो प्रश्न में, प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा उसे हम संबंध कारक शब्द कहते हैं। जैसे कि यह घड़ी किसकी है? मेरी। तब्बू किसका पेन उठाकर भाई भागी? भाई का। तो यहाँ पे का की के रा री रे ये शब्द क्या करते हैं? संज्ञा और जो भी कर्म है, क्रिया का जो शब्द है, दो संज्ञा या फिर दो सर्वनाम, इसमें जो संबंध बता रहे हैं उनके लिए संबंध कारक शब्द यूज किया जाता है। कौन से शब्द यूज करेंगे आप? का की के रा री रे। ओके, गॉट? समझा है संबंध कारक? यस। का की के रा री रे, राइट सेंटेंसेस लिहा था। यह मोबाइल यश का है, सीमा मेरी बहन है, यह मेरी पुस्तक है, सीमा यह राजू के पापा है, यह पेन मेरी बहन का है। यस। यह महेश का घर है, हर्ष ये मेरी कंपास है, वहाँ हमारा परिवार है, ये मेरी साइकिल है, यह राधा की सहेली है। यस। ये नंबर राज का है। यस। स्पर्श खेल रहा है। नो। पीहू का खिलौना है। यस। माँ ये मेरा बस्ता है। ओके, डन। ना, अब हम देखेंगे अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के आधार, समय या स्थान का पता चल रहा है उसे अधिकरण कहते हैं। देखिए, जब आपके संज्ञा के रूप से क्रिया के होने के आधार, कोई आधार है, जैसे तितली फूल पर मंडरा रही है, किस पर मंडरा रही है? फूल, तो वो उसके लिए आधार है। यस। समय, समय, कोई भी समय अगर आपको पता चल रहा है, या फिर स्थान, किसी भी स्थान का पता चल रहा है, तो वो शब्द अधिकरण कारक शब्द कहलाएगा। जैसे कि माँ कमरे में बैठी पढ़ रही है, तितली फूल पर मंडरा रही है। इन वाक्यों में कमरे में और फूल पर, यहाँ पे बैठने और मंडराने की क्रिया का आधार पता चल रहा है। बैठी है कहाँ पे? स्थान पता चल रहा है कमरे में। मंडराने की क्रिया कहाँ पे हो रही है? फूल पर। आधार का पता चल रहा है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक की पहचान आप कैसे करेंगे? अगर क्रिया के साथ कहाँ, किसमें, किस पर ये शब्द लगाकर प्रश्न किए जाए, तब आपको जो उत्तर मिलेगा वह अधिकरण कारक होता है। जैसे कि माँ कहाँ बैठी पढ़ रही है? कमरे में। तितली किस पर मंडरा रही है? फूल पर। ओके, लाइक दिस। तो आप क्या-क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यस, आधार, समय या स्थान। जैसे कि अभी दोपहर हो चुकी है, माँ कमरे में बैठी पढ़ रही है, भंवरे फूलों पर मंडराते हैं, मैं सोफे पर बैठी हूँ। ओके, मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ। लाइक दिस। या ठीक, जिथे आपल्याला आधार, समय आणि स्थान हे समजतं, त्याला आपण अधिकरण कारक शब्द असं म्हणायचं आहे। अधिकरण कारक कहते उसे। ओके, नेक्स्ट भी देखेंगे हम, एंड देन यू कैन राइट द सेंटेंस। लास्ट पार्ट है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो, जैसे कि आप एक्सक्लामेटरी वर्ड्स वापरते हो ना, अपन यावे। यस। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो,
जैसे कि जैसे कि हे प्रभु सबकी रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अहे अरे ये सारे परसंगों का वापर किया गया है, जैसे इन सारे विभक्ति चिन्हों का वापर किया गया है। तो यह शब्द विस्मयादि बोधक चिन्ह है, चिन्ह के साथ आते हैं। यस, तो ओ अरे हे बच्चों, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, संबोधन कारक कहलाते हैं। इथे एक्सक्लामेटरी साइन येणार, त्यामुळे तुम्ही हे लक्षात ठेवू शकता की जिथे एक्सक्लामेटरी साइन येणार ते कारक म्हणजे संबोधन कारक। ओके, संबोधन में संज्ञा शब्दों के बहुवचन में ओ के स्थान पर ओ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बच्चों, लोगों, छात्रों, डॉट नहीं दे जाए, भाइयों, बहनों। ओके यस, लिहा मग सेंटेंस, याचा सेंटेंस लिहा संबोधन कारकचा। हे प्रभु सबकी रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो। इथे तुम्ही कोणाला तरी आवाज देताय, कोणाला तरी बोलवताय, असा भाव प्रकट होणार आहे, म्हणून याला संबोधन कारक म्हणतात। अरे बच्चों खेल मत खेलो, असं लिहायचं आहे का जय तुला? माँ भूख लगी है। यस, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो। यस, चलिए लिखिए फास्ट। अरे ये क्या है, यस, अरे ये क्या है, इस शब्द में तुम्ही कोणाला आवाज देत नाही आहात, कोणाला बोलवत नाही आहात। अरे यश इधर आना। यस गुड, ओके ओके। एंड फॉर दिस वन, अधिकरण, अधिकरण मध्ये प्लेस वेळ आणि आधार दाखवायचा आहे, आधार समय और स्थान बताना है यहाँ पे। अधिकरण, माँ कमरे में बैठी पढ़ रही है, तितली फूल पर मंडरा रही है, मैं सोफे पर बैठी हूँ, पीहू दादाजी के कंधे पर खेल रही है, मानस इधर जल्दी आओ। ओके राइट फॉर दिस नाउ, अधिकरण कारक। दीवार पर तस्वीर लगाई है। यस, मैंने टेबल पर पुस्तक रखी। यस, मैं कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ। यस, ओके डन। आता आपण हे सगळे कारक शिकलो, सगळे समजले तुम्हाला, शेर वन में रहता है। यस सगळे समजले। ओके आता तुम्हाला, एवरीवन प्लीज माइक ऑफ, डाउन। ओके सी, आपको इन सबके बारे में जो भी कारक हमने पढ़े उनके बारे में क्या याद रखना है, कारक संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया के संबंध को बताते हैं। कारक चिन्हों मतलब विभक्ति चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है, संस्कृत शब्द है। तो परसर्गों के बिना वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। सभी कारकों के भिन्न भिन्न विभक्ति चिन्ह है। से विभक्ति चिन्ह करण और अपादान दोनों कारकों में प्रयोग होता है, किंतु प्रयोग में अलग अलग अर्थ को दर्शाता है। को विभक्ति चिन्ह कर्म और संप्रदान इन दोनों कारकों में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। ओके अंडरस्टूड, तुम्हारा सगळ्यांना समजलाय कारक? तुमच्या बुक मधलाच एक पार्ट आहे ज्यामध्ये तुम्हाला स्वाध्याय दिलेला आहे, बघा। रोहितने शतक बनाया, कारक कोणता आहे आणि त्याचा भेद सांगा।
रोहित ने शतक बनाया। लिहा चैट बॉक्स मध्य, पहले लिहा कारक आणि नंतर त्याचा भेट। ने, रोहित ने, यस। आणि मग काय असणार, ने ही विभक्ति चिन्ह आहे, रोहित ने लिहायचा लिहायचा आहे पूर्ण, रोहित ने। फक्त ने नका लिहू, ने हे विभक्ति चिन्ह आहे, यस। रोहित, रोहित ने, कर्ता कारक, यस, वेरी गुड। सैनिक देश के लिए लड़ता है, सैनिक देश के लिए लड़ता है, देश के लिए, यस। कारक देश के, देश के कारक सांगा। कर्मकारक, यस, कर्मकारक। मैंने राम के भाई को बुलाया, मैंने राम के भाई को बुलाया, ओके। जर तुम्ही राम के लिहिताय हा, तर काय येणार सांगा। राम के भाई को, हे दोघे, हा पूर्ण शब्द संबंध दर्शवतो, किसका भाई, राम का भाई, संबंध आहे ना तिथे, यस, संबंध कारक। दादाजी आंगन में है, दादाजी आंगन में है, कहाँ पे है, आंगन में, प्लेस असेल तर काय येणार, काय येणार प्लेस असेल तर, पहा परत, अधिकरण, यस। बच्चों यहाँ आओ, बच्चों यहाँ आओ, बच्चों, हाँ, काय आहे ते, संबोधन, वेरी गुड, वेरी गुड। अँड फॉर दिस आपलं हे कम्प्लीट झालंय, कारण आपण ऑलरेडी सेंटेन्सेस प्रत्येक कारकचे लिहिलेले आहेत। सो यू हॅव एनी डाऊट हिअर? आय थिंक एव्हरीथिंग इज क्लिअर टू यू, मानसी, यू वॉन्टेड मी टू टीच दिस, युअर एव्हरीथिंग इज क्लिअर बाय युअर साईड, येस, ओके, ओके। सो नाव यू ऑल कॅन लीव द क्लास, अँड एनी टॉपिक रिमेनिंग प्लीज सजेस्ट मी, एखादा टॉपिक राहिला असेल हिंदी ग्रामरचा तर सजेस्ट करा प्लीज। नो, नथिंग, इफ एनिथिंग लाईक दिस ना यू कॅन टेल मी, हा, मराठी आणि हिंदी, इंग्लिश ग्रामर व्ह्यू आणि काउंटर व्ह्यू राहिलाय फक्त, मराठी आणि हिंदी ग्रामरचा एखादा पार्ट राहिला असेल तर यू कॅन सजेस्ट मी, ओके, ओके। सो नाव यू कॅन लीव, बाय बाय टीचर, बाय टीचर, बाय टीचर, बाय टीचर, बाय टीचर, बाय टीचर, बाय बाय, बाय टीचर, थैंक यू, गुड नाइट, बाय टीचर, बाय। हेलो, ले हेलो, लेफ्ट कर क्लास, ए लेफ्ट।